दोस्तों एक बार फिर आपका स्वागत है, वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल रीट एंड सेकंड ग्रेड तैयारी में। तो दोस्तों हमने कल डाले थे आपके लिए 28 सवाल, तो आज हमारा जो अगला पार्ट है पार्ट 4, तो 29 सवाल से हम शुरू करेंगे। तो हमारा 29वां सवाल है दोस्तों, कार्बन डेटिंग C14 ये एक विधि है, तो इसके अनुसार इस सभ्यता यानी सिंधु घाटी सभ्यता का विकास काल कब था? तो दोस्तों उत्तर है इसका 2350 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व था, यानी ईसा मसीह से पहले। 30वां हमारा सवाल है दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार कहाँ तक था यानी फैलाव? तो दोस्तों उत्तर इसका भारत, पाकिस्तान तथा अफगानिस्तान, सोरतू घई तथा मुंडी गाक में था, ये दोनों जगह है अफगानिस्तान की कोष्टक में जो दी है। 31वां हमारा सवाल दोस्तों, इस सभ्यता का प्रारंभिक काल कब माना जाता है यानी शुरुआती जो काल है? तो दोस्तों उत्तर इसका 3500 ईस्वी पूर्व से 2600 ईस्वी पूर्व, यानी ईसा मसीह से 3500 से और 2600 ईस्वी पूर्व, यानी ईसा मसीह से इतना साल पहले। अगला सवाल है हमारे दोस्तों, इस सभ्यता का चरमोत्कर्ष काल कब माना जाता है? तो उत्तर दोस्तों 2500 ईस्वी पूर्व से 1800 ईस्वी पूर्व माना जाता है। अगला सवाल है दोस्तों हमारा, भारतीय उपमहाद्वीप में ज्ञात प्राचीनतम कृषिगत बस्ती या सभ्यता स्थल कौन सा है? तो उत्तर दोस्तों इसका मेहरगढ़, जो कि वर्तमान पाकिस्तान में है। और भारत में सिंधु क्षेत्र के बाहर ज्ञात सर्वाधिक प्राचीनतम स्थल कौन सा है? तो इसका उत्तर है बालाथल, जो कि इस वक्त उदयपुर में है। पहले था कृषिगत बस्ती और अब स्थल है, पहले था प्राचीनतम कृषिगत बस्ती और अब है सिंधु क्षेत्र के बाहर का जो स्थल है वो। अगला सवाल दोस्तों हमारा 35वां, ये सभ्यता नगरीय थी या शहरीय? तो दोनों थी, नगरीय शहरीय, क्योंकि नगर और शहर एक ही होता है। इस सभ्यता का नगर नियोजन कैसा था? 36वां सवाल है, नगर नियोजन कैसा था? तो सुनियोजित समकालीन कांस्य युगीन सभ्यता में सर्वश्रेष्ठ थी ये। 37वां सवाल है, हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख नगरों की बनावट कैसी थी? तो दोस्तों उत्तर है इसका एक समान थी, यानी जो इसके जो महल और बने हुए थे, जो भवन मिले हैं वो एक समान बने हुए थे। तो दोस्तों आज के लिए इतने ही सवाल लाते हैं आपके लिए और नए सवाल अगले पार्ट में। तब तक आपसे इजाज़त चाहते हैं, हमारे चैनल से जुड़ते रहिए, ऐसे सवाल पाते रहिए।